अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। व्यूवर्स इस हम लोग मैरियट होटल कराची में मौजूद हैं, जहां पर सीमेंस पाकिस्तान ने अपने कस्टमर्स के हवाले से एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। ये एक सिस्टम डिजिटलाइजेशन के हवाले से एक सिस्टम लेकर आए हैं और इसी टॉपिक पे एक इवेंट था ये। सीमेंस पाकिस्तान के इस वक्त हमारे पास हेड ऑफ़ सेल्स एंड ऑपरेशन सईद अफजल साहब मौजूद हैं। सईद अफजल साहब से जानते हैं हम कि इस इवेंट का क्या मकसद है करने का। सईद साहब बताइएगा, आप लोगों ने ये इवेंट किया है, इसका क्या पर्पज़ है? सबसे पहले तो जो डिजिटलाइजेशन का एक बज़वर्ड है, सो कॉल्ड आई वुड से, इसकी जो इम्पोर्टेंस है और डे टू डे बिज़नेस में जो इसका इंक्रीज़ होगा फर्दर यूटिलाइजेशन का, उसके ऊपर फोकस करने के लिए और उस पर एम्फसाइज करने के लिए वी ऑर्गेनाइज दिस इवेंट। एंड इट वाज वेरी वेल रिसीव्ड बाय द पार्टिसिपेंट्स एंड एज इट वाज विटनेस्ड बाय द नंबर ऑफ पीपल हु अटेंडेड and not just attended but also participated quite interactively. तो इससे ये चीज़ बड़ी evident है कि जो direction इस वक्त पूरी दुनिया में set हो रही है for the digital, I would say for the digital world, उसमें पाकिस्तान भी on its toes है to cope up with the changing scenario, and I would say this is the present and this is the future that we are talking about. अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि इस सिस्टम के हवाले से आप क्या समझते हैं, जब आप अपने मार्केट में जाएंगे तो क्या कस्टमर आसानी से एब्जॉर्ब करेंगे और आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा और आप क्या समझते हैं कि कहां पर आपको आसानी से ये आप इसको सेल कर सकते हैं? एक्चुअली दिस इज़ ऑल अबाउट द माइंड सेट। इफ़ आई टॉक अबाउट लेट से कोई अगर आप कोई 40-50 साल पीछे चले जाएँ तो वी यूज़ टू हेयर के in order to sell the ball points even we used to have the salesmen, जो कि अब नहीं है। तो इसी तरह से जो चीज़ चेंज होती है, whenever there is a change there is a resistance, और इस चीज़ को फ्लो करने के लिए, इंस्टिल करने के लिए किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मार्केट में, यू गॉट टू चेंज द माइंड सेट, विच इज़ द फोर मोस्ट कंडीशन। और जिस तरह से ये डिजिटल मीडिया, आई वुड से आई विल टेक द डेली लाइफ एग्जांपल, बहुत ज़्यादा इन हो गया है हमारी लाइफ्स में। इवन यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, लाइक यू कैन व्यू द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, कितनी एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हैं इन योर सेल फोन। तो देयर विल बी अ टाइम when the whole industry will be changing and moving towards the digitalization inevitably. Sooner or later it's going to happen. और इसमें ज़्यादा benefit उन्हीं को ही होगा जो कि इसमें early movers होंगे। सर थोड़ा सा viewers को बताइए भी कि ये इस सिस्टम से आप क्या, आपके जो कस्टमर्स हैं उनको क्या बेनिफिट मिलना चाह रहा है, मेन बेनिफिट थोड़े से बताएँ आप। ओके, इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा। वी कॉल अ टर्म विच इज़ कॉल्ड द प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। जस्ट टू गिव यू लेट्स से द डिटेल अबाउट दिस, अगर आपकी कोई डिवाइस है, लेट्स से कि मीडियम वोल्टेज का एक स्विच गियर है, नॉर्मल हालात में आप एक शटडाउन लेते हैं, उसके बाद आप जाके इसकी इंस्पेक्शन करते हैं, यू चेक द सर्टेन पैरामीटर्स एंड देन द पर्सन असेसेस के इफ़ द मेंटेनेंस इज नीडेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम और नॉट। But if we deploy the digitalization in the medium voltage switchgear specifically, then all this assessment is being done automatically. And even before the failure, there can be an alarm raised by the app. Look, you have got to maintain it, take it on the shutdown, on the plan outage, and maintain the system. अगर इस तरह से किया जाता तो एक अनप्लान्ड आउटेज, जिसकी वजह से डिफरेंट कस्टमर्स या कोई प्रोसेस जिसकी वजह से कि आपको मिलियंस कॉस्ट हो सकते हैं, वो रेवेन्यू एक सेव हो सकता है और प्लान्ड वे में उस मेंटेनेंस को परफॉर्म करके बिफोर द अकरेंस ऑफ द फेलियर कस्टमर्स कैन सेव आई वुड से अ साइजेबल अमाउंट ऑफ द मनी। तो सर ये भी बताइएगा कि जो कॉस्ट, जाहिर सी बात है जब ये सिस्टम कोई भी कंपनी परचेस करेगी तो उसकी कॉस्ट भी, प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक है ना, तो क्या आप समझते हैं कि कस्टमर को इसका कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? यस डेफिनेटली, इन द एंड कोई भी इंजीनियरिंग सॉल्यूशन इफ़ इट इज़ नॉट वायबल सॉल्यूशन, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू, मतलब अगर वो इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है तो इट कैन नॉट बी लेट्स से सक्सेसफुल इन द मार्केट। So if you talk about the, let's say, cost and the benefit analysis,
इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुड बी ऑन द हायर साइड, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो ROI आएगा उसकी बेसिस के ऊपर, तो इवेंचुअली ब्रेक इवन के बाद जो है कस्टमर्स को उसका बेनिफिट होगा। राइट सर, ये इवेंट आपका अब एंड हो गया है और आप इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें कि कैसा इवेंट रहा, पार्टिसिपेशन कैसी थी, आप क्या समझते हैं? वेल एज आई सेड अर्लियर, द पार्टिसिपेशन वॉज वंडरफुल, मोर देन आई वॉज एक्सपेक्टिंग ऑनेस्टली। और काफ़ी अर्से के बाद हम लोगों ने किया बिकॉज ऑफ द कोविड, एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू बिल्ड द मोमेंटम नाउ। और जिस तरह की पार्टिसिपेशन का लेवल था, इंटरेक्टिव सेशन रहा ये, और वी आर ऑल्सो टचिंग द फ्यूचर टॉपिक्स, तो ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव इम्पैक्ट गिवन टू द ऑल द पार्टिसिपेंट्स, एंड वी विल बिल्ड ऑन इट इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने देखा कि ये सईद अफजल साहब थे, सीमेंस पाकिस्तान के हेड ऑफ़ सेल्स एंड ऑपरेशन, और इनसे हमने थोड़ी डिस्कशन की, इनसे जाना कि ये जो डिजिटलाइजेशन का सिस्टम लेकर आ रहे हैं वो कैसा है और कितना बेनिफिट मिल सकता है कस्टमर्स को और क्या कॉस्ट इफ़ेक्टिव है या नहीं है। तो ये सारी डिस्कशन उन्होंने की, और इसी तरह की डिस्कशन को देखने के लिए इंजीनियर पोस्ट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।